क्या बढ़िया नजारा है। ये आगे जो आपको दिख रहा है ये राम झूला है और अभी हम शिव होकर जाने वाले हैं। राम झूला यहाँ से शुरू होता है। चलते हैं राम झूले पे। नीलकंठ महादेव के लिए ये रास्ता है जो पैदल रास्ते जा रहे हैं और अब उस रास्ते पे आ गए हैं। ये रास्ता नीलकंठ को अगर हम यहाँ से आते हैं अगर उल्टे हाथ की तरफ जाता है गाड़ी के लिए रास्ता, अगर गाड़ी से जाने वाले इस रास्ते से जा सकते हैं और पैदल जाने वाले लोग इस रास्ते से जा सकते हैं। ये रास्ता जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी चलते हैं सीधे रास्ते पे आगे। रास्ता तो ये भी गाड़ी का लगता है बट लेकिन गाड़ी ऊपर जाती नहीं होगी यहाँ से, तभी अलग रास्ता बनाया हुआ है पीछे वाला। आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर काफी सुनसान है, सुबह के करीब 7:30 बजे और आप देख सकते हैं पक्षियों के चहचहाने की आवाजें कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर, अगर आप सुन पाए तो। अभी तो ऐसा लग रहा है दो लोग भी नहीं है मेरे साथ, एक अकेला हूं और सुबह का टाइम है, दिखने को तो कोई जानवर भी दिख सकता है, फिलहाल तो एक ही जानवर है वो हूं मैं। आप देखिए मेरे पीछे कोई नहीं और दूसरी तरफ भी कोई नहीं। और एक चीज और आपको बता दूं, ऋषिकेश से नीलकंठ 29 से 30 किलोमीटर है जो कि अगर हम पैदल का रास्ता करते हैं तो कुछ रास्ता तो वो सिंपल रोड से है लेकिन कुछ रास्ता पहाड़ी एरिया हो जाता है। बस सुना है इन जंगलों से कभी कभी तेंदुए और छोटे मोटे जानवर भी बाहर जाते हैं, तेंदुआ खतरनाक है। बट ये रास्ता नीलकंठ का पैदल जाने का रास्ता है जैसा कि आप देख सकते हो, नीलकंठ 29 किलोमीटर है बट पैदल मार्ग 8 किलोमीटर। आप पैदल जाएंगे तो 8 किलोमीटर में पहुंच सकते हो, इसको भी आप देख लीजिए वन रक्षक विभागों ने क्या जानकारी दी हुई है। नीलकंठ पैदल मार्ग घने जंगल से होकर गुजरता है, यह क्षेत्र हिंसक जानवर व हाथी बहुल क्षेत्र है, कृपया 6:30 बजे के बाद यात्रा ना करें, बाघ भालू और हाथी तीनों से सामना हो सकता है। चले चलते हैं आगे अपने सफर पे नीलकंठ की ओर, यहाँ से 8 किलोमीटर है। अब हमने मेन रोड छोड़ दिया है और जंगलों के बीच होते हुए नीलकंठ पे जा रहे हैं। यहां जैसे आप पैदल मार्ग पे शुरू करेंगे आपको आंटी जी का छोटा सा ढाबा मिल जाएगा, आंटी जी खाना बनाती हो चाय वाय बनाते हो, खाना बना नहीं
सुबह कितने बजे खोल लेते हो? खोल रहे हैं। अच्छा अभी खोल रहे हैं। और शाम को? शाम को 6 बजे तक। जैसे आगे लिखा है यहाँ पर कि चीता हाथी और ये सब चीज, तो डर है यहाँ पर रास्ते में मिलने का? ये टाइम तो ठीक है, और इस तो ज्यादा अंधेरा चलोगे तब खतरा। अच्छा, और शाम को 6 बजे तो बाद अंधेरे में चलोगे तब खतरा, तो खतरा है। वैसे दिन में कुछ नहीं होता? दिन में बाई चांस जानवरों को तो घर ही है। हाँ बिल्कुल, मिल तो सकते हैं। मिल तो सकता है, लेकिन गर्मी में अधिकतर नहीं मिलता है। अच्छा, गर्मी है ना, बस तो जाएगा, कहीं को भाग भी लेगा। हाँ, रात को कहाँ भागेगा? रात को कहाँ? रात को उसे दिखेगा, हमें तो दिखेगा नहीं। नहीं। चलो अच्छा है। अब लंगूरों की तमाम फौज यहाँ देख सकते हो। हम ही घूर रहे हैं, चलते हैं, कभी ये हमारा कैमरा हमसे छीन ले। मुझे चलते हुए करीब 1 किलोमीटर हो गया है, और चढ़ाई आप जैसे देख सकते हो एज यूजल ज़्यादा टफ नहीं है, बट अच्छी खासी है। सुबह सुबह का टाइम पैदल निकल गया हूँ, इसलिए कोई भी नहीं मिल रहा रास्ते में, बहुत कम लोग हैं, या तो लोकल लोग हैं या फिर जो पैदल जाने की इच्छा रखते हैं वही लोग हैं सिर्फ। आप चारों तरफ से सुन सकते हो पक्षियों की चहचहाने की आवाज, बंदरों की चिल्लाने की आवाज, मोर के बोलने की आवाज, हो सकता है इस बीच तेंदुआ भी बोलता हो, तो गॉड नोज। जो बिगनर्स है ट्रैकिंग करने के लिए, उनके लिए अच्छा खासा है ये पैदल के लिए। जो कि कर सकते हैं। मौसम ठंडा है, लेकिन चलते चलते गर्मी लगने लगी है, और पसीना आप देख सकते हैं एज यूजुअल मुझे तो आता ही ज्यादा है। चारों तरफ पहाड़, बीच में सुनसान रास्ता, जंगल, और एक अकेला इंसान क्या कर लेगा जानवरों के आगे। चाय पॉइंट नंबर 2, पहला पीछे था आंटी जी का, एक और आया आगे। भैया चाय चाय बनाते हो बस? चाय कॉफी, खाना ना कुछ नहीं होता? नहीं भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये पैदल रास्ता कौन सा है नीलकंठ का? ये वाला। और ये रास्ता कैसे जाता है? इधर गुफा है, मोनी बाबा। इधर मोनी बाबा की गुफा है? इधर इधर। तो उधर कौन सा है फिर? हाँ अच्छा, सीधा है ये ऊपर, पर वो रास्ता नीलकंठ जाने उधर से। तो मोनी बाबा की गुफा कहाँ है यहाँ? कितनी दूरी में? 2 मिनट। तो उसमें क्या है जी? देख क्या गुफा है और क्या? पहले गुफा ही देख लो। मोनी बाबा की गुफा आते वक्त देखेंगे। कितनी दूरी पे है गुफा? अरे पहले गुफाएं देख लो, आयो देखनी है तो आयो। ये रास्ता नीलकंठ को जाता है, और ये रास्ता मोनी बाबी गुफा को जाता है। और पहले गुफा देखते हैं, बस उसमें बाबा भी बैठे होते हैं गुफा ही गुफाएं। अच्छा होंगे भाई, नंगे पैर जाना पड़ेगा, जूते पहन के। नंगे पैर कहाँ से?
तो उतार देंगे। चलो चलो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या खराब हो जाएंगे। चलो भाई, आप भी यहाँ पर ले आ रहे हैं। जय है प्रभु को। हाँ, एक साथ अकेले जाना भी नहीं चाहिए। कहीं उतारने नहीं, ऊपर तो चढ़ा वो ऊपर पहने। जय श्री राम। भैया मोनी बाबी गुफा कौन सी है? हाँ जी, कौन सी? ये हाथ उतारे भाई। गेट सब पर्दा दिखे सर। जो मैंने तुम्हें जल की छींटे मारी ना, तुम नाम से बढ़िया हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी ये मोनी बाबा। अच्छा जी, ये मोनी बाबा है। ये मोनी बाबा है। हाँ, ये मोनी बाबा। अच्छा, ये तो पूरे हो गए ना। अच्छा अच्छा, चलो जय बाबा की। अभी मुझे कुछ भाई लोग मिले हैं जो कि मुरादाबाद चंदौसी से है। मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। आ जाओ, अपना नाम बता दो। उपेंद्र। माय नाम राहुल। माय नाम संदीप सिंह। माय नाम अनेक ठाकुर। अनेक, भाई लोगों को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ठीक है। ट्रिप में अपन, यस थैंक। नाम है चैनल का। ओके, और आप भी आओगे इस वीडियो में। ओके ओके, ठीक है ना। बिल्कुल, चलो चलते हैं आगे। चलते हैं आगे। दो लोग और थे, कहाँ गए? अच्छा, आ रहे हैं। आए भाई, भाई दो लोगों मिस हो गए थे हमारे। नाम बताओ भाई। अनमोल शर्मा ट्रिप मैपर में। हाय अंकुर मिश्रा। नीलकंठ पे साथियों के साथ चढ़ते हुए। बिल्कुल, चलो बम बम भोले। अच्छा, देखिए यहाँ से आपको ऋषिकेश पूरा दिखेगा, ऋषिकेश शहर। चढ़ाई देखिए, एकदम खड़ी है। वो रास्ता शहर है ना मेन। तो ये घूम के आए ना इसे पूरा। अगर रास्ते की नॉलेज हो तो जंगलों में से शॉर्टकट मारो, नहीं तो अगर फंस गए, फिसल गए, चोट लग गई, क्या होगा? और समझो कि थोड़ा सा ऊपर गए, पता लगा तेंदुए की जो है वो है गुफा, बिठा लेगा वहीं पर। आ जा मेरे साथ ही बैठ। तू हर 10-15 मिनट में ना पानी पीते रहो। पानी पीना तुमने किसी को? पीना पीना, लो पीना तो यार बे बोतल में मेरी पी लो, निकाल ले बोतल। पीना तो बोतल में पीछे होगा। हाँ पी लो यार, भरा जाएगा। खींच लो ऊपर, खींच लो पूरी ऊपर से खींच लो। बॉडी को हाइड्रेटेड करते रहो। अभी हमें एक शॉर्टकट मिला है, उस शॉर्टकट से हम रास्ता अपना छोटा करने वाले हैं। और ये देखो, और आप कभी शॉर्ट नहीं मारना, आपको जानकारी हो। जानकारी हो तो शॉर्टकट लो, अदरवाइज मत लो। जब भी ऐसे रस्ते पे निकले तो ध्यान रखें, एक एक पैर जमा के निकले, पैर फिसलते ही हादसा हो सकता है। तो कोशिश करें, ये हमने शॉर्टकट लिया है जो कि पहाड़ों के बीच में सोके जाता है। रास्ता थोड़ा खतरनाक है बट जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई लोगों, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं नीलकंठ के आधे रास्ते में हूँ। करीब करीब 3-4 किलोमीटर नीलकंठ का रास्ता रह गया यहाँ से। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल है, जंगलात के अलावा कुछ नहीं।
और जहां तक देखोगे पहाड़ और जंगल। बम 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 बोले बोले बम बम बोले हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। चढ़ाई बहुत खतरनाक है, आओ इस खतरनाक चढ़ाई से अपने बहुत खतरनाक चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर सांप कीड़े का खतरा रहता है। अच्छा हाँ, रिस्क तो लेना पड़ता है जब ये मिल है यहाँ पर। अभी मैं पहाड़ों की चोटियों को पार करते हुए बीच रस्ते में बैठा हूँ। बहुत ज्यादा ऊंची चढ़ाई है, हमने सारे रास्ते पहाड़ के लिए ऐसे वाले, आप देख सकते हो जैसा कि ऊपर नजर आ रहा है। कोई भी हमारा रास्ता सड़क का पैदल वाला नहीं है। आपको मैं एक राय देता हूँ, अगर पहले कभी आपने फिजिकल प्रैक्टिस नहीं की है या फिर कोई भी ट्रैकिंग नहीं की है तो एकदम ऐसे ही किसी भी ट्रैकिंग वाले रास्ते पे ना आए। पहले थोड़ा प्रैक्टिस करें, आप वार्म अप करें, अपनी बॉडी को उसके हैबिचुअल बनाएं, तब आए। पानी पीते रहें, कुछ एनर्जी बार, कुछ चॉकलेट्स या कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं बीच बीच में, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहे, नहीं तो आप बहुत बुरी थक जाओगे और अपना ही नुकसान करोगे। अब चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं आगे और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत कम लोग इस तरह की ट्रैकिंग करके नीलकंठ की चढ़ाई करते हैं, मैंने जो की है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और आने वाली वीडियो को जरूर देखना। अभी हम उस पहाड़ी रास्ते को पार करके आ गए हैं, बिल्कुल, जो कि बहुत ही खतरनाक रास्ता था। और सलाह दूंगा जिस रस्ते से हम आए, जिस रस्ते से हमने वीडियो दिखाई है, उस रस्ते आम लोग ना आए। अगर आप दो चार लोग हैं चढ़ सकते हैं, पहले आपने पहाड़ों पे चढ़ाई की है तो आए, अदरवाइज ना आए। बहुत ही रिस्की रास्ता है और अभी हम उसको तो पार कर गए हैं। और अभी एक चाय का दुकान पड़ी है, उस पर बस थोड़ा आराम कर रहे हैं, उसके बाद आगे चढ़ते हैं। लेकिन अब चढ़ाई हम सीधा सिंपल करेंगे रोड से, अब पहाड़ियों पे से नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। भाई लोगों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पर देखा है जगह जगह। जैसे कि आप देख सकते हो जगह जगह पानी की बोतलें लोगों ने, देख रहे हैं, पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, प्लास्टिक आइटम्स पहाड़ों पर ऐसे ही फेंका हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बहुत ही बुरी बात है। इससे हमारे पहाड़ों को भी नुकसान पहुंचता है और हमारी जो जंगल है ये भी खराब होते हैं। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी पानी की बोतल जो आपकी वेस्ट हो, जो खाली हो जाए, कोई भी रैपर आपका, किसी भी चीज का, प्लीज जंगल में ना फेंके, अपने साथ कैरी करें, कूड़ेदान में डालें, डस्टबिन में डालें। और ये नीलकंठ मंदिर परिसर में हम देखिए, भैया का नाम योगेंद्र सिंह रावत है, शॉप नंबर 30 नंबर है ना, शॉप नंबर 30 है इनका और नीलकंठ मंदिर के पास इनकी शॉप है। अगर आप आओ तो भैया की शॉप पे से प्रसाद लो, बैग रखो, बहुत सेवा है यहाँ पर, बहुत हेल्प करेंगे।